हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद संदीप। आज हम बात करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट प्लेस एंड मॉन्यूमेंट्स की पार्ट टू की। पहले पार्ट में हमने कवर किया आगरा उत्तर प्रदेश, जिसमें हमने आगरा उत्तर प्रदेश के इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट को कवर किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मैं तो उसे एंड स्क्रीन पर दे दूँगा, आप जाके देख लेना। आज हम इसमें कवर करेंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु स्टेट। हम स्टेट वाइज हर एक को करेंगे, क्योंकि स्टेट वाइज हमें करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा और हमारे पे बर्डन कम होगा। तो हम स्टेट वाइज सारों को करने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक है तमिलनाडु। हम तमिलनाडु के प्लेसेस एंड मॉन्यूमेंट को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला है मॉन्यूमेंट रॉक कट टेम्पल। रॉक कट टेम्पल मामलापुरम प्लेस में स्थित है। ये तमिलनाडु की एक जगह है मामलापुरम। इसे महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था 8th सेंचुरी में। इसकी खासियत ये है कि इसके जितने भी कलाकृति किए गए हैं, आर्किटेक्चर ने जितने भी किया, ये अलग अलग पत्थरों से बना हुआ है। रॉक कट टेम्पल, तभी इसका नाम पड़ा है। इसकी जितनी भी कलाकृति है, इसमें अलग अलग कट के टेम्पल में अलग अलग तरह के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। बहुत ही अच्छी कलाकृति करी गई है। आपको पता ही होगा, पहले के ज़मानों में कलाकृति पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये बहुत ही कलाकृति से भरी हुई है, तो इसका नाम रॉक कट टेम्पल इसीलिए दिया गया है। हम चलते हैं आगे। शोर टेम्पल की हम बात करें तो ये फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर टेम्पल है। मतलब ये बहुत ही लंबा फ्री स्टैंडिंग, मतलब इसके जो पिलर्स की बात करें तो वो बहुत ही लंबे लंबे, एक ही टेम्पल एक ही रॉक बहुत ही लंबे लंबे स्ट्रेट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है इसका। फ्री स्टैंडिंग बहुत ही लंबे लंबे पत्थर है इसमें, बहुत ही लंबे लंबे पत्थरों से बना हुआ है ये। और इसमें रॉक कट की तरह अलग अलग पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, पर ये फ्री स्टैंडिंग है। इसमें बहुत ही बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल एक ही जगह पे किया गया है, तभी इसकी खासियत है। और इसे भी मामलापुरम में नरसिम्हन वर्मन 2 ने 8th सेंचुरी में बनवाया था। इसका नाम सोर टेम्पल है। ये हिंदू टेम्पल है। इसमें बुद्धिज़्म लोग बहुत ही ज़्यादा जाते थे उस टाइम पर। अगला मॉन्यूमेंट है कैलाशांथर। आपको कैलाश से ही पता लग गया होगा, ये लॉर्ड शिवा जी की एक प्लेस है, एक टेम्पल है, जो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये भी तमिलनाडु में स्थित है। प्लेस की बात करें, कांचीपुरम में स्थित है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लॉर्ड शिवा जी की पूजा आपको पता है एंशियंट टाइम से ही होती आ रही है। हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी आपको लॉर्ड शिवाजी की मूर्ति देखने को मिली थी। तो इसे पता लगता है, शिवाजी की पूजा की बात की जाए तो ये बहुत ही पहले से इसकी परंपरा स्टार्ट हो चुकी है। ये मूर्ति कैलाशांथर कांचीपुरम में स्थित है, और इसे नरसिम्हा वर्मन 2nd बनवाया था। सेंचुरी की बात करें तो 685 में ये बन के रेडी हो गया था, और 685 से इसे बनाना स्टार्ट कर दिया गया था। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं 20 साल लग गए थे इसे बनाने में। हम आगे बढ़ते हैं। इस मॉन्यूमेंट का नाम है बृहदेश्वरा। इसमें भी शिवाजी की पूजा होती है, और ये लार्जेस्ट टेम्पल, इसे लार्जेस्ट टेम्पल भी कहा जाता है। तमिलनाडु में बात की जाए तो ये लार्जेस्ट शिवाजी की टेम्पल है, मतलब जहाँ शिवाजी की पूजा होती है, और ये लार्जेस्ट टेम्पल, इसका नाम बृहदेश्वरा है। ये तंजौर में स्थित है। इसे राजा चोला 1 ने बनवाया था। सेंचुरी की बात की जाए तो 1010 AD में बनाया गया था। इससे पता लगता है कि शिवाजी की पूजा बहुत ही सालों पहले से स्टार्ट हो चुकी है। मतलब पहले के राजा भी, जो भी किसी की भी बात की जाए, राजा की, रानियों की, वो सब शिवाजी की पूजा करते थे। तो हम आगे बढ़ते हैं। मॉन्यूमेंट का नाम है गंगाईकोंडा चोलापुरम। ये प्लेस इसकी है गंगाईकोंडा चोलापुरम। ये चोला डायनेस्टी की कैपिटल थी, गंगाईकोंडा चोलापुरम। इसे राजेंद्र 1 ने बनाया था। सेंचुरी की बात करें 12th सेंचुरी। ये सोचने वाली बात है, ये चोला डायनेस्टी की एक कैपिटल थी, गंगाईकोंडा चोलापुरम। तो हम बढ़ते हैं आगे। इसमें ये ध्यान रखना है कि गंगाईकोंडा का कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि अगर उसके चोलापुरम का कैपिटल कौन था, तो इसे हम बता रहे हैं चोला डायनेस्टी की कैपिटल थी गंगाईकोंडा चोलापुरम। आगे बढ़ते हैं। यह मॉन्यूमेंट सेंट जॉर्ज फोर्ट प्लेस चेन्नई, बिल्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे बनाया था। सेंचुरी 1644 AD। ये इसलिए बनाया गया था फ्रेंड, क्योंकि इसे ट्रेडिंग एक्टिविटी जो भी थी यहाँ से करी जाती थी उस टाइम, सेंट जॉर्ज फोर्ट से। आपको पता था पहले मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी की कैपिटल हुआ करती थी, तो जितनी भी ट्रेडिंग वगैरह थी तो ये सेंट जॉर्ज फोर्ट से करा करते थे। तो याद रखना, हमने सेंट जॉर्ज फोर्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए मशहूर था, और ये आज भी है। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1644
AD में बनाया था। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आगे आगे हम दूसरे शहरों के, दूसरे जितने भी स्टेट्स हैं उनका सबका कवर करेंगे, सबका एक एक ब्रीफ, क्योंकि एक एक शहर का करते करते हमें आसान पड़ेगा, सारे प्लेस सारे मॉन्यूमेंट जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।